हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। टुडे वी विल रीड फोर्थ चैप्टर ऑफ साइंस क्लास सिक्स एनसीईआरटी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब ये फोर्थ चैप्टर है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट में भी इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो और उसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या होता है? छटाई करना, मतलब अलग कर देना मटेरियल को उनके ग्रुप्स में। मटेरियल्स क्या होते हैं? जैसे आपका लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, तो उनको अलग अलग बांट देना। तो उसके बाद है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ऑब्जेक्ट होता है जो भी हमारे आसपास सामान होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हाँ अराउंड मतलब हमारे आसपास। ठीक है, वी हैव सीन दैट आर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। हमने जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास फूड की काफ़ी सारी वैरायटी होती है। फिर हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा कि हमारे पास क्लोथ्स की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो हमारे पास सिर्फ फूड या क्लोथ्स की ही वैरायटी नहीं होती, हमारे पास ऑब्जेक्ट की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि चेयर हो गई, बलक कार्ट, बलक कार्ट मतलब होती है बैलगाड़ी हो गई, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं आपके खाना बनाने के, बर्तन हो गए, बुक्स हो गए, कपड़े हो गए, पत्थर, पानी, खिलौने, ये सब हो गए। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं सारे, इनको इनके शेप्स के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर दो, सॉर्टिंग कर दो, तो आप कैसे करोगे? जैसे जो राउंड राउंड शेप के होंगे, जैसे जो अगर आपके पास टॉयज में लेदर बॉल हो गई, रबर बॉल हो गई या बड़ी फुटबॉल हो गई, तो आप उनको अलग कर दोगे। ठीक है, फिर और जो आपके ओवल, ये तो थी राउंड शेप के, फिर उसके बाद आपके पास रेक्टेंगल शेप में जितने भी होंगे ऑब्जेक्ट्स उनको अलग कर दोगे, स्क्वायर शेप्स के अलग कर दोगे, ओवल शेप्स के अलग कर दोगे। तो ये हो गया, हमने ग्रुपिंग किया शेप्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद यही सब दिया हुआ है, जैसे रबर बॉल, फुटबॉल, तो हमने ये सारे हमको क्या कर दिया, शेप्स के अकॉर्डिंग उनको ग्रुपिंग कर दी। अब लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अगर हमसे कहा जाता है कि अगर हमें ग्रुपिंग करनी है जो सामान प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, प्लास्टिक का क्या क्या हो सकता है? प्लास्टिक का बकेट हो सकती है, बकेट मीन्स बाल्टी, लंच बॉक्स, खिलौने हो सकते हैं, वाटर कंटेनर जिसमें पानी भरा जाता है, पाइप्स हो सकते हैं, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो इस ग्रुप में रखे जा सकते हैं। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि प्लास्टिक वाले अलग कर दो, तो प्लास्टिक के जितने भी होंगे, अगर आपके पास टॉयज होंगे और ये सब होगा सामान, तो उसको आप अलग कर दोगे। तो पहले शेप्स के अकॉर्डिंग किया, फिर अभी हमने क्या किया, प्लास्टिक के अकॉर्डिंग कि जो प्लास्टिक का उन्हें अलग कर दो। फिर इन द अबव एग्जांपल वी हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल आर मेड फ्रॉम। फिर इसके मतलब हमने पहले शेप्स के अकॉर्डिंग किया, फिर मटेरियल के अकॉर्डिंग, मटेरियल कौन सा, प्लास्टिक का। फिर उसके बाद है ऑल ऑब्जेक्ट आर अस अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो या तो एक मटेरियल से बने होते हैं या एक से ज़्यादा से भी बने होते हैं। ठीक है, दीज मटेरियल में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, ये किसी भी मटेरियल से बने हुए हो सकते हैं। वो प्लास्टिक हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, मेटल हो सकता है, कॉटन हो सकता है, पेपर हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। मिट्टी के क्या होते हैं, गमले होते हैं, ठीक है, या फिर घड़े होते हैं, ठीक है, वो किसी भी चीज़ से बने हुए हो सकते हैं। फिर ये एक्टिविटी वन है, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास जो भी सामान है, जैसे कि चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ये जितना भी सामान है उनको इकट्ठा करना है, और उनको क्या करना है, फिर जो अगर जो पेपर का बना हुआ हो या वुड का बना हुआ हो, पेपर या लकड़ी का सामान, उसको एक तरफ करना है, बाकियों को अलग कर देना है। तो दो ग्रुप्स बन गए आपके, एक तो पेपर या लकड़ी का सामान होगा पहला ग्रुप, और दूसरा ग्रुप बाकी दूसरे मटेरियल का। ठीक है, तो ये हमारे दो ग्रुप में हमने इनको कर दिया। सो वन ग्रुप हैज अ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, वाइल द अदर ग्रुप हैव द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल। तो पहला ग्रुप वो हो गया जो पेपर या लकड़ी से बने हुए सामान हो गया, और दूसरे ग्रुप में क्या होगा, जो दूसरे मटेरियल से सामान बने हुए होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास फिर यही सारा चीज़ है कि हम कैसे कैसे उसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं टीचर्स की हेल्प के साथ। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक टेबल दे रखा है, जैसे प्लेट,
प्लेट जो है, जिसे हम थाली भी कहते हैं, वो किस किस मटेरियल की बनी हुई होती है? वो स्टील की भी होती है, ग्लास की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। इसी तरीके से पेन है, पेन किस चीज़ का बना हुआ हो सकता है? प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। तो हमने जो पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक से एक एक चीज़ से भी बना हुआ हो सकता है या एक से ज़्यादा चीज़ों से भी बना हुआ हो सकता है। इसी तरीके से एक मटेरियल से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स भी बने हुए हो सकते हैं। फिर ये उसके बाद एक्टिविटी 2 है, जिसमें टेबल 4.2 दी हुई है। इसमें आपको मटेरियल्स दिए हुए हैं और उस मटेरियल से ऑब्जेक्ट्स क्या क्या बने हुए हो सकते हैं वो भी दिया है। जैसे वुड है, वुड से चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील, ठीक है। पेपर, पेपर से क्या है? बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर। लेदर, लेदर से क्या बना हुआ हो सकता है? शूज़ हो सकते हैं, बेल्ट हो सकते हैं, ओके। उसके बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक का हमने पढ़ा, वाटर कंटेनर, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, टॉयज, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स देखे। What do we find from this table? First, we grouped objects in many different ways. तो हमने देखा कि हम objects को अलग अलग करने के, grouping करने के हमारे पास काफ़ी सारे method हैं। We then found that objects around us are made up of different material. और उसके बाद हमने देखा कि objects जो हैं, जितने भी हमारे पास आसपास object हैं, वो अलग अलग material से बने हुए हैं। उसके बाद एट द टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट आपका सिंगल मटेरियल से भी बना हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल, और वो ऑब्जेक्ट काफ़ी सारे मटेरियल से भी बना हो सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि एक मटेरियल को काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर लकड़ी की बात करें, लकड़ी का बेड बनता है, चेयर बनती है, सोफ़ा बनता है, टॉयज बनते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे मटेरियल बन गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब हमने देखा कि मटेरियल हो गया जैसे लकड़ी, आयरन और आपका अभी सैंड, ठीक है, ये सब हमने मटेरियल पढ़े। अब मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई टम्बलर इज़ नॉट मेड अप ऑफ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या कभी आपने सोचा है वो ग्लास, टम्बलर मीन्स ग्लास, मतलब जिसमें हम पानी पीते हैं, कभी सोचा है आपने कि वो कपड़े का क्यों नहीं होता? कपड़े का अगर होगा तो क्या होगा? कपड़े का अगर होगा तो एक तो उसमें शेप नहीं आएगी, उसको हमें पकड़ने में बहुत दिक्कत होगी, राइट। और दूसरा क्या होगा, उसमें से पानी ऐसे छन जाएगा सारा, तो हमारे पास पीने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मे भी चलो थोड़ा सा तब पी सकते हैं इमीडिएटली, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर हम थोड़ी देर जैसे पानी को रख देते हैं, वो क्या हो जाएगा? सारा निकल जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब बना जाता है तो ये सब चीज़ें सोची जाती हैं, ठीक है, कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया ग्लास का, तो ग्लास को अगर हम बिना सोचे समझे कपड़े से बना देते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं होता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें सोची जाती हैं। सो वट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस यूसेज? तो इसीलिए मेटल की ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़फुल होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं इन कामों को इस्तेमाल करने के लिए, हमें मालूम होना चाहिए। तो अब हम यहाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वन वन करके, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है अपियरेंस, ध्यान से पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स बताइए, तो इतना सारा भी नहीं, आपको पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। अपीरियंस मतलब होता है कि वो दिखता कैसे है या उसकी लुक कैसी है, ठीक है। अपीयरेंस मीन्स लुक। सो मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सारे मटेरियल एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, अगर आपने देखा होगा तो लकड़ी जो है लोहे से बिल्कुल अलग दिखती है, ठीक है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से डिफरेंट होता है। एट द सेम टाइम दे मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। हालांकि कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम में, हालांकि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हैं और ये अलग अलग दिखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं, ठीक है, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद ये एक्टिविटी है जिसमें आपको अलग अलग मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे करने हैं, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, कॉपर वायर, ये सब इकट्ठे करने हैं। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप। अब क्या करना है आपको, ये जो मटेरियल्स हैं, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको जो शाइनी हैं, जो चमकते हैं, उनको एक ग्रुप में करना है, बाकियों को दूसरे ग्रुप में करना है।
इसमें आप अपने टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है, डू यू नोटिस द सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल, कट दैम अवे एनी वे एज यू कैन। क्या आपने नोटिस किया कि जिनमें शाइन या लस्टर है, लस्टर का मतलब होता है शाइन, शाइन को भी लस्टर कहते हैं, ठीक है। लस्टर आप जो मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा मटेरियल्स हैज लस्टर, ठीक है, यानी कि उनमें शाइन होता है, ठीक है। तो लस्टर होता है, तो अगर जिनमें शाइन, जो ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं, अगर आप उनको काट भी देंगे बीच में से, उनके जितने मर्जी टुकड़े कर दीजिए, तो उनके जो शाइन है वो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। वो फिर भी उनकी शाइन वो चलती रहेगी, शाइन फिर भी रहेगी। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सर्फेस ऑफ मटेरियल। अगर आप कटिंग नहीं कर सकते तो आप उसे रब करके देखिए उस मटेरियल को सैंड पेपर से, तो आप देखेंगे क्या उसमें लस्टर है, उसमें फिर भी आपको लस्टर नज़र आएगा, यानी कि शाइन नज़र आएगी। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जो मटेरियल्स जिसमें लस्टर होता है उन्हें क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, ठीक है। जिनमें लस्टर होता है वो मेटल्स होते हैं। अब मेटल कौन कौन से होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर गुड एग्जाम्पल ऑफ मेटल। क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि मेटल के एग्जाम्पल दीजिए, मेटल कौन कौन से हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड, ये सारे मेटल के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कुछ मेटल्स क्या होते हैं कि जैसे हवा के कारण या मॉइस्चर के कारण थोड़े डल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोहे की बात करो, लोहा पानी में, हवा में क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, उसमें काला हो जाता है, ठीक है, तो अपनी शाइन खो देता है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द मेटल रॉड टू सी इफ दे हैव लस्टर। तो मतलब जब हम काटते हैं अगर उसे, तो लेकिन उसके अंदर लस्टर होता है, ठीक है। तो ये आपने, आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आप किसी आयरन स्मिथ मतलब लोहार के पास जाइए और वहाँ देखिए, उनमें सब में आपको शाइन नज़र आएगी। फिर उसके बाद है हार्डनेस। When you press different material with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. आपके पास जितने भी जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मटेरियल से बने, जो मटेरियल के हैं या जितने भी मटेरियल हैं, उनको आप टच करके उनको कंप्रेस कीजिए। कंप्रेस मतलब दबाइए, ठीक है, कंप्रेस मतलब दबाना। तो आप देखेंगे जब उनको, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आप दबाएंगे तो वो दबेगी नहीं, वो तो वैसे की वैसी ही रहेगी, आप जितनी मर्जी उसमें ताकत लगा लीजिए। तो क्या है मतलब, ये क्या हुआ, हार्ड हुआ, ठीक है। तो लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जो दब जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने कुछ मटेरियल्स लिए, जैसे कि वुड, एल्यूमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, नेल, नेल मतलब वो कील जो होती है उसे नेल कहते हैं, कैंडल यानी कि मोमबत्ती, चौक और दूसरे ऑब्जेक्ट। तो इसमें से आप जब उन्हें स्क्रैच करोगे, स्क्रैच मतलब खुरचेंगे, खुरचते हैं ना जैसे हम हाथों से, तो अगर हम उसे स्क्रैच करेंगे किसी चीज़ से, इसमें चाबी ही ले लीजिए, चाबी जो हमारी नॉर्मल चाबी होती है, ताले की चाबी, अगर हम उसे खुरचेंगे, मान लीजिए ये एल्यूमिनियम शीट को हम खुरच रहे हैं, तो क्या होगा, वो तो हार्ड का हार्ड ही रहेगा, ठीक है, उसका कुछ नहीं उतरेगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम चौक पे खुरचेंगे तो चौक इजीली खुरच के निकलता, उसके पार्टिकल्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो स्क्रैच हो जाते हैं, कुछ नहीं हो रहे। तो हमने पढ़ा कि सम कैन नॉट बी स्क्रैच और सम इजीली स्क्रैच। सो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटेरियल्स इजीली कंप्रेस हो जाते हैं या स्क्रैच हो जाते हैं, मतलब खुरच लिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल। अब जैसे चौक है, चौक को हम इजीली स्क्रैच कर पा रहे हैं, हम चौक को हाथ से तोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होंगे, एज कम्पेयर टू लकड़ी की अगर बात करें तो लकड़ी को हम हाथ से नहीं तोड़ पाएंगे, अगर मोटी लकड़ी होती है तो हम उसे हाथ से जल्दी से नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन चौक क्या है, चौक को हम तोड़ लेंगे। तो ये जो होते हैं ये सॉफ्ट मटेरियल होते हैं जिन्हें इजीली स्क्रैच किया जा सकता है या कंप्रेस किया जा सकता है। उसके बाद है जिनको हम इजीली कर सकते हैं वो है सॉफ्ट मटेरियल एंड विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। जिनको इजीली नहीं कर सकते, जिनको कंप्रेस करना बहुत हार्ड होता है, उन्हें कहते हैं हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जांपल कॉटन या स्पंज इज़ द सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ द हार्ड। अगर देखा जाए तो कॉटन या स्पंज जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, उनको हाथ से दबाते हैं वो दब जाती हैं, जबकि आयरन जो होता है बहुत हार्ड होता है। इन अपीयरेंस मेटल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी स्मूथ और रफ़।
जो अपीयर, अगर मटेरियल में अपीयरेंस की बात करें, मतलब लुक वाइज बात करें, तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है मटेरियल्स की, मेटल्स की, उनके लस्टर के बारे में, हार्डनेस के बारे में, रफ बड़ा हमने या स्मूथ होते हैं। कैन यू थिंक अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल? इसके अलावा और क्या मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं या अपीयरेंस हो सकती है जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? दूसरा है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल क्या होता है? जो घुल जाता है, और इनसॉल्यूबल जो घुलता नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप कुछ सब्सटेंस लीजिए, सॉलिड सब्सटेंस, जैसे कि चीनी, नमक, चॉक पाउडर, सैंड मतलब मिट्टी, और सॉडस्ट। सॉडस्ट होता है ग्रास का चूरा, जिसे कह सकते हैं लकड़ी का बुरादा, सॉरी लकड़ी का बुरादा। ठीक है, जो लकड़ी का, जैसे लकड़ी छीलते हैं तो छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना लकड़ी के, उसको। तो आप 5 ग्लास लेने हैं, उनको आपको पानी भरना है, और उसके बाद आपको ये जो सारे 5 चीज़ें हैं उनको अलग अलग ग्लासेस में डाल देना है। तो आप देखोगे और फिर उनको स्टर करना है, स्टर मीन्स घोल देंगे। ठीक है, आप क्या देखोगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो सॉल्ट होगा, ये पांचों सब्सटेंसेस लिखे हुए, सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, सॉल्ट जो है वो इजीली डिसअपियर हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, यानी कि घुल जाएगा। शुगर भी डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, हम उसे घोलेंगे तो गायब हो जाएगी। सैंड, मिट्टी नहीं घुलेगी, वो क्या है, जब तक हम घोलेंगे उसे, स्टर करेंगे, तब तो वो कलर तो चेंज रहेगा उसका, येलो येलो, लेकिन फिर उसके बाद वो क्या होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, है ना। चॉक पाउडर, चॉक पाउडर का भी यही, जब तक हम उसे घोलते रहेंगे तब तक वो नहीं वाइट वाइट सा नज़र आएगा, घुलता हुआ कि घुल रहा है, लेकिन उसके बाद हम उसे जो छोड़ देते हैं तो फिर वो नीचे बैठ जाता है। इसी तरीके से सॉडस्ट यानी कि लकड़ी का बुरादा जो होता है वो भी नीचे बैठ जाता है। तो यानी कि इस पूरी टेबल में हमारे पास सॉल्ट और शुगर ऐसे थे जो सॉल्यूबल थे, जो घुल गए थे, लेकिन सैंड, चॉक पाउडर और सॉडस्ट ऐसे मटेरियल थे, ऐसे सब्सटेंस थे जो नहीं घुले थे। तो हमने देखा कि जो सब्सटेंस घुल जाते हैं पानी में उन्हें कहते हैं सॉल्यूबल, ठीक है, और जो नहीं घुलते उन्हें कहते हैं इनसॉल्यूबल। ठीक है, सो वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, इट कैन बी डिजॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डू लिक्विड डिजॉल्व इन। उसके बाद यह है कि वाटर हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, मतलब बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए पानी। अब इसके बाद एक्टिविटी 5 है, जिसमें आपको लेने हैं विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, लेमन जूस यानी कि नींबू का जूस, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल और गोले का तेल, केरोसिन और कोई और दूसरी तरीके का लिक्विड। फिर क्या करना है, एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें आपको क्या करना है, आधा ग्लास पानी भरना है, और उसके बाद आपको कुछ चम्मच क्या करना है, इन सब चीज़ों के लेने हैं, जो भी हमने केरोसिन, लेमन जूस, विनेगर, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इन सब की बात की है, उनको डालना है इन ग्लासेस में। फिर क्या करना है, उसको हमें स्टर करना है, मतलब हिलाना है, ठीक है, और फिर उसके बाद 5 मिनट रुक जाना है। फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इसमें से विनेगर और लेमन जूस ये तो घुल गया। भाई अपने घर में हम शिकंजी भी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं ना, तो उसमें नींबू का रस जो है वो घुल जाता है, नींबू नज़र नहीं आता है ना, वो बिल्कुल सॉल्यूबल हो जाता है। इसी तरीके से सिरका भी आप पानी में डालोगे वो भी घुल जाएगा, अलग से नज़र नहीं आएगा, लेकिन सरसों का तेल लोगे, गोले का तेल लोगे या फिर केरोसिन वगैरह, देखोगे इसके एक लेयर सी बन जाएगी ऊपर पानी पे, आप नोटिस करना, आप घर पे थोड़ा सा एक्टिविटी करके देखना, थोड़ा सा पानी लो के देखोगे वो तेल जो है ऊपर बैठ, ऊपर नज़र आएगा, उसकी एक अलग सी लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये पांचों हैं, ये जैसे विनेगर मिल गया है, लेमन जूस भी मिल जाएगा, ये तीनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो हमने देखा कि कुछ लिक्विड्स जो हैं, कुछ सामान जो हैं वो ईजिली मिक्स हो रहे हैं पानी में, और कुछ मिक्स नहीं हो रहे और एक अलग से सेपरेट लेयर बना रहे हैं। ठीक है, कुछ देर के बाद तो सम गैसेस, इसी तरीके से कुछ गैसेस होती हैं जो पानी में घुल जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन। आपने पढ़ा होगा कि मछलियों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन पानी में होती है। ठीक है, तो जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन एक गैस है, वो पानी में मिल जाती है, जबकि कुछ होती हैं जो पानी में नहीं घुलती। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ स्मॉल गैसेस, सॉरी सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। तो वाटर में कुछ गैसेस घुली हुई होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है वही ऑक्सीजन गैस। ठीक है, वाटर में घुली हुई होती हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, जो कि जो एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स या प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें ऑक्सीजन की पूर्ति उसी पानी से होती है।
अब वो ऑब्जेक्ट जो कि या तो तैरते हैं या सिंक कर जाते हैं, सिंक मतलब डूब जाना, फ्लोट मतलब तैरना, तो वो ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। यू माइट हैव नोटिस दैट इनसॉल्यूबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर, जो इनसॉल्यूबल है, जो घुलते नहीं हैं सॉलिड, वो पानी में क्या करते हैं, उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5 सम ऑफ दिस मटीरियल दैट डू नॉट मिक्स वाटर फ्लोट टू द सर्फेस। और फिर उसके बाद हमने कुछ पढ़ा कि कुछ ऐसे मटीरियल भी थे जो ऊपर तैर रहे थे, जैसे कि हमने तेल की बात करी, और कुछ है जो डूब जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पर देखिए शहद की बूंदें ली गई हैं, यहाँ पर बोला गया है कि पॉन्ड में ड्राइड लीवन सूखी हुई पत्तियाँ, और आपको अगर बोला जाए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी, थोड़ी सी ड्रॉप्स हनी के डाल दिए जाए तो क्या होगा, हनी तो पानी में घुल जाएगा, जो ड्राइड लीव्स हैं वो क्या होगा, वो ऊपर तैरेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद अब आती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार दिखना, ठीक है। आप जब हाइड एंड सीक गेम खेलते हो, लुका छिपी का गेम हम सब खेलते हैं, है ना, आप भी खेलते होगे, तो जो लुका छिपी का गेम खेलते हैं, क्या कभी आप ग्लास के पीछे छिपे हो, विंडो ग्लास के पीछे, विंडो ग्लास मतलब जो कांच की शीशी खिड़की होती है ना, क्या कभी उसके पीछे छिपे हो? नहीं, क्यों नहीं छिपे? बिकॉज क्या होगा, आपका फ्रेंड आपको देख लेगा और आपको जल्दी से पकड़ लेगा। लेकिन आप कहाँ छिपते हो? लकड़ी के दरवाजे के पीछे, टेबल के नीचे, चेयर के पीछे, हम ऐसे मटेरियल के पीछे छिपते हैं जहाँ से हमें वो नहीं देख पाए, ठीक है। सो दो सब्सटेंस और मटेरियल दो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वो सब्सटेंस या मटेरियल जिनके हम दूसरी तरफ देख सकते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। से ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एग्जाम्पल है, ये ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। जैसे ग्लास हो गया, कांच हो गया, पानी, हवा, जैसे कांच के अंदर हम अपनी परछाई भी आराम से देख सकते हैं, अगर आप कोई और शेप लोगे तो वो भी आपको मतलब दिख जाएगी, ठीक है। तो ये जो है हवा, हवा में हम सब आप एक दूसरे को देखते हैं, सामान हमें दिखता है, तो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। आपने देखा होगा शॉपकीपर भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में ही, यानी कि जो सामान रखता है टॉफीज़ वगैरह, वो या तो कांच के होते हैं डब्बे या फिर वो प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है, ताकि जो कस्टमर है उन्हें ईजिली वो आइटम्स को फाइंड कर सकें। ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटीरियल थ्रू विच दे यू आर नॉट एबल टू सी। लेकिन कुछ मटीरियल्स ऐसे भी होते हैं जिसके आप आर पार नहीं दे सकते, उन्हें कहते हैं ओपैक। क्या कहते हैं उन्हें? ओपैक, जिनके हम आर पार नहीं दे सकते। जैसे कि आपसे बात की जाए लकड़ी के सोफे की, चेयर की, टेबल की, ठीक है, तो हम इनके आर पार नहीं देख सकते। सो दीज आर कोल्ड ओपैक। सो वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपैक मटेरियल्स। आप लकड़ी के अलावा लोहे का भी देख लीजिए, वो भी ओपैक है, एल्यूमिनियम है, वो भी ओपैक है, मतलब जो बर्तन है, अगर आप स्टील के बर्तन भी लेंगे तो आप एक तरफ को अगर प्लेट रखेंगे तो दूसरी तरफ आपको नहीं दिखेगा, अपनी शक्ल नजर आएगी, वो शाइनी और लस्चर है लेकिन दूसरी तरफ का नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट में दूसरी तरफ का दिख जाएगा लेकिन ओपैक में नहीं दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ एक्टिविटी 6 है, इसमें क्या करना है, आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है, एक पेपर लेना है कोई सा भी, और उसको लेके जाना है बल्ब के पास, चलते हुए बल्ब के पास, और उससे उसको देखना है। तो क्या दिखेगा आपको? बल्ब दिखेगा तो सही, पर धुंधला धुंधला दिखेगा, राइट। ये थोड़ा सा एक्टिविटीज़ आप करके देखना ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब जब धुंधला धुंधला दिखेगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें 2-3 ड्रॉप पानी तेल की डालनी है, ठीक है, कोई भी तेल, गोले का, सरसों का, कोई भी तेल लगा लीजिएगा। उससे क्या होगा, पेपर जो है थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा हो जाएगा। अब उस पेपर से उस बल्ब को देखना, अब ये पेपर कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि जैसे ऑयली ऑयली सा हो जाएगा ना, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेपर आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे, तो आप देखोगे कि अब आप ज़्यादा साफ देख पा रहे हो पहले से, ठीक है। बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर। तो यानी कि आप ऑयल्ड पेपर से, यानी कि चिकने वाले पेपर से ज़्यादा साफ देख सकते हो। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इज इफ इट इज ऑफ इट विजिबल। क्या आपको जो दूसरी साइड है, क्या सब कुछ अच्छे से दिख रहा है उससे भी?
हल यस नो नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको इतना अच्छे से नहीं दिखेगा। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांजुलेंट। मतलब वो मटेरियल्स जिनसे ऑब्जेक्ट्स जो है देखे तो जा सकते हैं लेकिन साफ साफ नहीं देखे जा सकते, उन्हें कहते हैं ट्रांजुलेंट। जैसे कि अभी हमने पेपर पे तेल लगाया, उसे हम देख तो पा रहे होंगे लेकिन धुंधला धुंधला दिखेगा, बिल्कुल क्लियर चीज़ नहीं नज़र आएगी, तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांजुलेंट। रिमेंबर द ओनली पैच ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर, ये हमने फूड का फैट्स का टेस्ट किया था जब हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, तो हमने फैट का टेस्ट किया था पेपर पे रोटी लगा के, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था। तो अब हमने क्या पढ़ा कि जो मटेरियल होते हैं या तो ओपैक होते हैं या ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूजेंट। ओपैक मीन्स जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सकता है, ट्रांसलूजेंट जिनके देखा जा सकता है लेकिन धुंधला धुंधला क्लियर नहीं। वी लर्न दैट मटीरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड दे हैव मिक्स इन वाटर और, अभी हमने देखा कि जो मटीरियल होते हैं वो अपीयरेंस में मतलब लुक वाइज अलग होते हैं, और फिर किस तरीके से अलग होते हैं, जैसे जो लिक्विड होते हैं वो पानी में मतलब लिक्विड की फॉर्म वो मतलब या तो घुल जाएंगे या नहीं घुल पाएंगे, या तो फ्लोट होंगे या डूब जाएंगे, ठीक है, या फिर और कैसे हो सकते हैं मटीरियल, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपैक हो सकते हैं, ट्रांसलूजेंट हो सकते हैं। सो ये सारे उनके हमने बारे में पढ़े। अब मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी। अब हम मटेरियल्स को सिमिलैरिटी के बेस पे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं उनके बेस पे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब ये तो हमने पढ़ी कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने ग्रुपिंग करी, वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमें आखिर ज़रूरत है क्यों, हमें ज़रूरत क्या है इनको ग्रुपिंग करने की, इन मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुपिंग करने की। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आर कन्वीनियंस, हम डेली की लाइफ में अपने अपने जो ये मटेरियल्स हैं इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है, और अपनी कन्वीनियंस से यूज़ करते हैं। अगर घर हमारे घर में हम यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस टुगेदर, हम जैसे रखते हैं सामान को रखते हैं तो एक जैसे, अगर आपने देखा होगा मम्मा आपकी दाल चीनी चावल ये डब्बे एक साथ रखती होंगी, ठीक है, ये तो नहीं ना कि उन्हें दूसरे आपकी किताबों के साथ रख दिया, ऐसा नहीं होता, उनको ग्रुपिंग किया जाता है कि भैया किचन का सामान है उनको अलग किया जाता है, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि किचन में खड़े हैं तो भाई किचन का सारा सामान हमारे आसपास हो और वही सामान हमें पता चलता रहे, ठीक है। तो और इसी तरीके से मसालों की बात की जाए, अगर किचन के ही बात की जाए तो मसालों के डब्बे दाल चावल चीनी के डब्बे अलग रख दिए जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें ग्रुपिंग की जा सकती है। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल द टाइप्स ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप ऑल शॉप्स एट अनदर, तो जैसे अब अगर हम दुकान पे जाते हैं परचून की दुकान पे जाते हैं तो वो क्या करता है, बिस्किट का एक अलग कॉर्नर बना होता है, बिस्किट टॉफी चिप्स वगैरह का एक कॉर्नर होता है, जबकि साबुन का सरफ का वो दूसरे कॉर्नर पे, इसी तरीके से अनाज और दाल कहीं और, दुकान तो एक ही है लेकिन अलग अलग स्पेस बनाए हुए हैं, उसने अलग अलग ग्रुपिंग की हुई है, तो ये हमने ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा। देयर इज अनदर रीज़न व्हाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न हैं कि ग्रुपिंग बहुत सारी यूजफुल होती हैं, ग्रुपिंग बहुत यूजफुल होती हैं। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़, तो अगर इन ग्रुप जो मटेरियल्स हैं इनको ग्रुप कर दिया जाता है इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, और इनको ऑब्जर्व करने में मतलब इनको देखने में कि क्या क्या हो सकता है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, और ये सब हम हायर क्लासेस में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा चैप्टर कम्प्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, टिल देन बाय बाय।